हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर भूमि। तो कैसे हैं आप सब? तो क्या चल रहा है आज? आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ रेडी हुई हूँ, पिछले कहीं जाना था तो थोड़ा तैयार श्यार हुई हूँ। सूट पहना है मैंने एंड मैचिंग मैचिंग बिंदी सब किया है, मेकअप थोड़ा बहुत लाइट लाइट। तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ शिप से रिलेवेंट वीडियो है ये। शिप से रिलेटेड ही व्लॉग होगा आज का पूरा। तो इसमें मैं दिखाने वाली हूँ शिप का जो मास्टर रूम होता है, मास्टर कैबिन, कैप्टन का जो कैबिन होता है, उसके बारे में मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। तो शिप भी मतलब कैसे, जो कैप्टन का कैबिन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वहीं पर ही उनका ऑफिशियल पार्ट होता है, लिविंग एरिया होता है एंड बेडरूम होता है, अटैच वॉशरूम होता है, तो वो सब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, बिकॉज़ जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगी तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगी सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आज का व्लॉग दिखाने वाली हूँ कैप्टन साहब के अंदाज में, क्योंकि वो कैप्टन साहब ही अपना डिस्क्राइब कर रहे हैं सब कुछ कि कहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या होता है कैबिन में। तो इसलिए आज की जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, वो आप देखेंगे कैप्टन साहब की वॉइस में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्लिक सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके, उनका नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो चलिए हम चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो दिस इज माय कैबिन। जैसे घर में मास्टर बेडरूम होता है, वैसे शिप पर मास्टर कैबिन होता है। यू कैन सी दिस, ये फॉर इमरजेंसी, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये लाइफ बोट। ये नीचे भी स्पेसेस बना रखे हैं, और ये दिस इज वी कॉल इट जुगाड़। जैसे इंडिया में कुछ भी चीज़ों के लिए जुगाड़ होता है, तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ हिले ना। रूम सोने के लिए, दिस इज बेडरूम गिवन, ये स्मॉल स्पेस। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टेक यू ऑल ऑन अ न्यू जर्नी ऑफ शिप। करते हैं नए सफर का आगाज, मैं और मेरा जहाज। सो दिस इज माय कैबिन। जैसे घर में मास्टर बेडरूम होता है, वैसे शिप पर मास्टर कैबिन होता है। यू कैन सी दिस, एंड उसे ही हम कैप्टन कैबिन कहते हैं। ये आप नेम प्लेट देख सकते हो, ये सब डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। एंड लेट्स ओपन इट। सो दिस इज डे रूम, यहाँ पर ऑफिशियल वर्क करते हैं। यू कैन सी आई सिट हियर, और फिर मैं यहाँ से कुछ भी मेल्स एक्सेट्रा करता हूँ। और ये मेरे रूम में ऊपर एक स्पेशल सारे कंट्रोल्स होते हैं, उसे फ्रिज बोलते हैं, तो उसकी इनपुट आई हुई है, और यहाँ से मैं रात को देख लेता हूँ या कभी भी कि शिप कैसे चल रही है, कितना ट्रैफिक है। इट इज सेम लाइक कि रोड्स पे गाड़ी वगैरह चलती है, तो यहाँ पर समंदर में बहुत सारे ट्रैफिक है, आप देख रहे हो बहुत सारे शिप्स हैं। और दिस इज ये हमारी शिप है। सो ये फॉर इमरजेंसी, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये लाइफ बोट को, जैसे आपने देखा है टाइटैनिक वगैरह में शिप्स पे बोट्स होती हैं, तो कुछ भी इमरजेंसी में बोट्स को लैंड करके और उसमें सारे पैसेंजर्स जा सकते हैं, कुछ भी अगर शिप को होता है, तो सेम यही यूज है इस लाइफ बोट का भी। ये सब डॉक्यूमेंट्स रखे हैं यहाँ पर। सो ये शू रैक, और ये दिस इज
बेसिकली फ्रिज है जो इस कैबिनेट में है, बिकॉज शिप जब चलता है तो ड्यू टू बैड वेदर रोलिंग होती है और मूवमेंट्स होती हैं, सो वो हिले ना, इसीलिए सब ऐसे चीजें सिक्योर करके रखते हैं। ये सामने टीवी, जस्ट टू एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वी कैन सी ऑल दिस डीवीडीज वगैरह। ये स्मॉल आपका स्नैक्स एंड टी स्पेस, सेम गोज लाइक हियर। ये ऊपर कैबिनेट्स हैं इफ यू जस्ट वॉन्ट टू कीप एनीथिंग हियर। ये नीचे भी स्पेसेस बना रखे हैं और ये दिस इज वी कॉल इट जुगाड़। जैसे इंडिया में कुछ भी चीजों के लिए जुगाड़ होता है तो ये यहां पर कुछ चीज हिले ना, बिकॉज क्या होता है ना कि जब वेसल शिप चलता है मूवमेंट होती है कुछ ना कुछ चीजें हिलती हैं, तो ये इवन लॉक करने के बाद में भी चीजें हिलती हैं, तो इसलिए जुगाड़ बना के इसको इतना टाइट किया है कि स्मॉल थोड़ी सी भी वो भूतों की आवाज आती है ना पुरानी फिल्म में की कर, हाँ वैसी कुछ आवाज ना आए, तो इसीलिए। सो फ्रेंड्स दिस इज डे रूम। ये सामने हम देख सकते हैं यहां से शिप का नजारा, सो दिस इज माय शिप। और यहां से चारों तरफ आप देख सकते हो होराइजन को, लुक्स ब्यूटीफुल नो। एंड दिस इज माय स्लीप रूम, सोने के लिए दिस इज बेडरूम गिवन। ये स्मॉल स्पेस, ये अलमीरा दी हुई है, ये पूजा घर बनाया हुआ है। और ये यहाँ पर मैं दिखाती हूँ फुल व्यू केबिन का, मास्टर केबिन का। तो ये वही सेम जो ऑफिशियल वर्क होता है जहाँ पर, दैट पार्ट ऑफ केबिन, ये डस्टबिन एंड दिस इज लिविंग एरिया एंड बाहर विंडो से पूरा शेप एंड बाहर का व्यू दिखाई दे रहा है। और ये इस तरीके से सामने जो डोर है ये बेडरूम का, और इस साइड वाला जो सामने है वो कॉरिडोर का है। तो ये पूरा बेडरूम का व्यू हो गया इधर से। इन्हीं कुछ मेमोरीज़ के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ, यहीं पर स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में फिर से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ क्लिक सब्सक्राइब बटन। ओके, स्टे सेफ, बाय बाय।